हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे आर अनिल कपूर। तो गाइस, आज है संडे का दिन और आज छुट्टी वाले दिन बच्चों को ज़रूर कहीं बाहर जाना होता है। तो हम सुबह से इन्हें बाहर नहीं लेकर आए थे क्योंकि आज के दिन ठंड बहुत हो रही थी। अब बिट्टू जी से ज़िद करने लगे, जॉनिश इसलिए हैं, फटाफट से हम बाहर आए। और ये देखिए, हम गए यहाँ पर एक नया खुला है, यहाँ हमारे नियर बाई है, ये KFC टाइप का कुछ है, इसका नाम पता नहीं, मैं भूल गई शायद इसका नाम, गाइस मुझे याद नहीं। हाँ, यह आया ना लिखा हुआ, पिज़्ज़ा पैटी नाम है। और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, देखो छोटी सी जगह में ये बना हुआ था और इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेट कर रखा था इसको बहुत अच्छे से। अब मैं बच्चों से कह जा रही थी कि बेटा यहाँ के शॉट्स ले लीजिए, सिनेमैटिक शॉट्स ले लीजिए, मगर बच्चे कहाँ सुनने वाले। और ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था चिकन पॉपकॉर्न। ये चिकन पॉपकॉर्न इतनी टेस्टी है ना, इतनी टेस्टी, ये बहुत मज़े की क्रिस्पी थी, बच्चों को खा के मज़ा आ गया। कभी कभी ऐसा भी कुछ लेना चाहिए अपने, वो फ्राई चिकन, फ्राई फिश वगैरह से भी अच्छा लगता है ये। और देखिए, ये ज़ोरिश मेरा बहुत चूज़ी बच्चा है, इसको भी बहुत पसंद आया ये चिकन वगैरह नहीं खाता, चिकन के पीस वगैरह ये लेना ये ज़्यादा पसंद नहीं करता। ये इतना टेस्टी लग रहा था ना, इसको भी पसंद आया, हमें भी। हमने फ़र्स्ट टाइम ही चिकन पॉपकॉर्न खाई है। और मैं सोच रही हूँ इसको घर में बनाने की, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आया था। मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह बना लूँगी। मैं बिट्टू जी से बोल रही थी कि बिट्टू जी घर में बनाओ, ये खाओगे आप? तो बिट्टू जी बोले कि हाँ बनाओ, बहुत टेस्टी है ये, तो बहुत मज़े का हो रहा है। और बिट्टू जी और हम खूब इन्जॉय कर रहे हैं, ये हमने फटाफट से खा लिया। आपको पता है बच्चे मेरा कितना कितना कसा खाते हैं। और गाइस, ये इनको कितना ही कह दो, ये ज़्यादा खाते ही नहीं हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर हैं, ये चूज़ी हैं मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा। मतलब रोटी भी अगर ज़रा सी मोटी होगी ना तो वो भी छोड़ देते हैं, वो भी नहीं खाते। और गाइस देखिए, बातों बातों में हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया। ये था हमारा चिकन चिज़्ज़ा, मैं भूल गई थी और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए याद नहीं आ रहा। और गाइस, ये भी बहुत टेस्टी था, इसमें नीचे चिकन के थाई के पीसेस थे और ऊपर उसके टॉपिंग हुई हुई थी, मेल्टेड चीज़ था ऊपर से, इतना टेस्टी था, ये भी बच्चों को बहुत टेस्टी लगा। तो गाइस, आपको भी अगर खाना है ना तो ज़रूर जाइएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये देखिए, जॉनिश जो है बहुत शाय हैं, ये आ ही नहीं रहे थे कैमरे के सामने। बहुत मज़े से हमने ये खाया और लेकिन इसमें से बच गया था। देखिए गाइस, हमारी खुराक सिर्फ इतनी सी है, वो चिकन पॉपकॉर्न खाया और इस 4 पीसेज में से 1 पीस हम घर बचा के लेकर आए थे, क्योंकि इन बच्चों से या हमसे खाया ही नहीं जा रहा था, थोड़ा सा ये हैवी भी होता है खाने में। लेकिन गाइस, मैं मेरा यकीन जानिए, बहुत टेस्टी होता है, बड़ा मज़ा आया इसे खाने में। और यहाँ का एम्बियंस भी इतना अच्छा था और ये भैया भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमें बड़े उससे दिया, बहुत प्यार से खिलाया और हमसे बोल रहे थे कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं यहाँ की और भी वो दूंगा। देखो गाइस, ये बिट्टू जी क्या दिखा रहे हैं, मुझे मेल्टेड चीज़ दिखा रहे हैं इसका। इतने मज़े से हम लोग खा रहे थे ना यहाँ पर, अचानक से गए थे और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर और भी फैमिलीज आई हुई थी। बहुत टेस्टी था ये, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया इसे खाने में। देखो जॉनिश भी हमें करके दिखा रहा है और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना गाइस, मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है जी। और अब यहाँ पर हमारे हो गया चलने का टाइम, बिट्टू जी कर रहे हैं पेमेंट। और ये एक हमारा थाई का पीस बच गया था, ये हमने पैक करा लिया था। और देखिए गाइस, यहाँ छोटी सी जगह में जो है ना, इन लोगों ने वॉश बेसन भी लगाया है। तो गाइस देख लीजिए, अभी बाहर निकले हैं और यहाँ धुआं नहीं, कोहरा, घर जा रहे हैं बस हम जल्दी से अब, क्योंकि इनकी मांगे मजदूरों की तरह बढ़ती जा रही हैं। और हम सब देखो स्नैप पे भी दीजिए, देखो ये वहाँ देखो बिट्टू जी कर रहे हैं सफाई गड्ढी की, देखो देखो कैसे ऐसे उड़ उड़ के आ रहा है कोहरा उड़ उड़ के आ रहा है। अमसल है, अमसल की हवा ख़राब, कोहरा देखिए। मैं नहीं डरता, मुझे कोहरे में मज़ा आता है। मैं नहीं डरता तो ये देखो कोहरा, गाइस मैं डैडी के स्टेप करता। नहीं नहीं, अंदर इधर आ बेटा, बिना दिन का कैसे उड़ के आ रहा है कोहरा। बेटा साइड हो, वो सब ब्लर है, हैं सब ब्लर है सामने का।
बहुत ब्लर हो रहा है भाई साहब, ये देखो कोहरा उड़ उड़ के जा रहा है। बस आ जाओ चलो। तो गाइस अभी ये लोग ला रहे हैं आइसक्रीम, मम्मा और अमसल गए। आज हमारा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो जनवरी के मौसम में ये लोग लेने गए आइसक्रीम। मैंने तो कसाटा बोला है, और एक और आइसक्रीम ला रहे हैं, देखो कौन सी लाते हैं। हाँ अभी जाओ जल्दी। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम ठंड में कर रहे हैं ठंडे ठंडे मजे, ये और अमसल को हमने छोड़ दिया है वहाँ, और अब ये होने वाला है अमसल की मिना खत्म, और ये हो जाएगा अब खत्म। आ रहे देख अमसल भी आ रहा है, खोलना शीशा खोलो। अब उनसे गेट नहीं खुल रहा, अब गेट खोलने के भैया, देखो भैया हेल्प कर रहा है गेट खोलने। नहीं टिश्यू ले रहा है वो। अच्छा टिश्यू ले रहा है। देखिए गाइस ये अमसल आ गए हैं सामने से लेके रबड़ी फालूजा, ये आ जाओ। तो गाइस देखिए यहाँ आ गया है हमारा रबड़ी, चम्मच 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 चम्मच, ये लीजिए लीजिए स्पून, ये लो किक की तरह जैसे ऊपर उठा। देखो गाइस ये शुरू हो गए हैं, कैसे बना मजे का है बिट्टू जी, कैसा इनका मुंह बना हुआ है, क्योंकि हम ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं बहुत ठंड में। अगर हम बीमार पड़ गए बहुत गाली मंगेंगे बिट्टू जी, हमें बहुत डांटेंगे। नहीं नहीं। तो गाइस बिट्टू जी खा रहे हैं ये ज्ञानी का रबड़ी फालूजा, ये हमारे यहाँ पर भी है, हमारे नियर बाय है रबड़ी फालूजा। कैसा है बिट्टू जी ज्ञानी का? डैडी इग्निशन ऑन करना। एक जो मेन ब्रांच है इसकी वो कहाँ है? डैडी दिखाना फतेहपुरी पे, लेकिन फतेहपुरी दिल्ली में एक जगह है फतेहपुरी, फतेहपुरी अच्छा है वैसे ही है। तो बस तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यही खा लो सारा, ऐसा करो तुम ही खा लो, यू आते यू प्लेट, यू आते यू, तो पता नहीं क्या हो रहा है, बढ़िया आइसक्रीम नहीं खिलाते ना। वैसे ये तो है खिलाते नहीं है, देखो हम चल कैसी कैसी हम चल जो भी है डैडी बहुत बेकार है, ये बेकार है, निकाल लाओ इधर परेशान हो रही थी हमारे लिए। पैनी, पैनी, मेरी बैनी। और ये बिट्टू जी की कोल्ड ड्रिंक जॉनिश आइसक्रीम में कैसा मजा आया? बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा मजे का ज्ञानी का कसाटा, वाह मजा आ गया खा के, फालूजा से भी मजे का, फालूजे से भी ज्यादा मजे का कसाटा था। और बिट्टू जी पी रहे हैं गरम कोल्ड ड्रिंक, ठंडी नहीं, नहीं है, हाँ नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नॉर्मल जो ठंडी लग रही है, लेकिन मजा आ रहा है कोल्ड ड्रिंक में, अच्छा खासी मिला हमें रास्ते में। और बस सच में गर्मी में इतना मजा नहीं है आइसक्रीम खाने का जितना सर्दी में मजा है, इतने मजे का कसाटा मजा आ गया। काश ये बात डैडी को भी जल्द से जल्द समझ में आ जाए। अल्लाह बस सब साथ खैरियत के रहें। और गाइस हम मिलते हैं आपसे सुबह सुबह, स्टेडियम बाय। हाँ तो मेरे जिगर के छल्लो, बस 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 बस, मेरा नाम है मोहम्मद अमसल खान, ये मोहम्मद सलमान खान, और हम हो गई है नेक्स्ट सुबह, रात को हम गए थे वो खाने के लिए, हंसने की क्या बात है, जिगर को पॉपकॉर्न क्यों हंसा रही हो तुम, चलो चलो चिकन चीजा खाने के लिए, चिकन पॉपकॉर्न खाने के लिए गए थे, वो हमें मिल गया। और अब हो रही है बारिश बाहर और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है बाहर, हल्की फुल्की हुई है बारिश, तेज हुई है बारिश, बहुत हल्की फुल्की हुई है। और समय को कुछ सामान लेने जाना, तो मैं जा रहा हूँ समय का सामान लेने, देखिए तो दिलवाने समय के सामान, कौन सा सामान लेने जा रहा हूँ, इनका प्रिंट आउट निकलवाना है और इनको फाइल दिलानी है, कोई जरूरत नहीं है बारिश हो रही है, बारिश रुक गई, बाइक से जाने के लिए कह रहे हैं डैडी से कहूँ, अभी डैडी को पता है मैं बाइक चलाता हूँ, डैडी से कहती हूँ, जब डैडी को गाइस मैं आपको कुछ बता चाहता हूँ, डैडी को होगा 5 दिन पेट्रोल नहीं डलवा रहा, डैडी कह रहे हैं मैं तो पैदल चल रहा हूँ मैं बाइक नहीं चला रहा, जब से मैंने बाइक चलाना शुरू करी ये कह रहा है मेरे से, हाँ क्योंकि डैडी अब जिम ज्वाइन करेंगे, तो जिम ज्वाइन करेंगे तो बाइक क्यों नहीं चल, पेट्रोल क्यों नहीं डलवा रहा उसमें, पेट्रोल के पैसे बचा के जिम में दूंगा मैं, हाँ जिम में देंगे, देखा मैं जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने, मुरापी पेट्रोल बिट्टू जी उन्हें भी दिखाओ, 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 दिख
और यहाँ अमसल बहुत बदमाशी कर रहे हैं, कहना मान नहीं दूंगी। तो गाइस देखिए आज हो रही है बहुत बारिश सुबह से, और देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं। बाहर भी रुक जिम में नहीं, मोबाइल पे बारिश आ जाएगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और बिट्टू जी घर में ही हैं, आज उनकी छुट्टी है। और अब बनाते हैं हम घर में, आपको दिखाती हूँ क्या बना रहे हैं। फ़िलहाल मैं फ्रिज में से ले लूँ थोड़ा सा सामान, टमाटर वमाटर। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर, आते हैं अंदर। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए यहाँ सब देख रहे हैं टीवी, क्योंकि बारिश में और ठंड में निकलने का दिल नहीं कर रहा है भाई। अब भूख लग रही है, हाँ बस मैं अभी लाई खाना, दो मिनट में ही सब यहाँ बैठे। दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या खाओगे, बहुत बढ़िया खाना बना रही हूँ मैं आपके मतलब का, अभी लाई। तो गाइस दिखाती हूँ आपको अभी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, ये मेरा तड़का तैयार हो रहा है। यहाँ गरम गरम आलू मैं मैश करके गई थी, ये आलू का भुर्ता बनाऊँगी मैं। आलू के भुर्ते को भगार के, और देखिए क्या बनाऊँगी। ये मैंने आटा गूंद रखा है, कल आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी उसे मैंने आटे में गूंद लिया है। इसके परांठे बनाऊंगी और आलू का भरता अभी बना के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, खीरा, राइस, टमाटर डाल दिए हैं तड़का के, उन्हें थोड़ी सी कुटी मिर्च और टमाटर डाला है। अब इसमें ये आलू रखे हैं वो डाल दूँगी। उसके बाद गरम गरम पराठे बना के दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आलू का भरता हो गया है तैयार। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज डाल दूंगी कच्ची है, ऊपर से और हल्का सा मिर्च। इसको ढक देंगे ताकि इसकी खुशबू रह जाए ऑफ। और अब दूसरे गैस पे बनाएंगे पराठे। यहाँ हो गई है तैयारी, दिखाती हूँ आपको अभी। तो गाइस देखिए यहाँ पर हो रही है तैयारी, आज बहुत लेट हो गए, 3:30 हो रहे हैं खाने के लिए। अभी बिट्टू जी कमरे में हैं, खुश हो जाएंगे देख के खाना। ये बन गए गरम गरम मेथी के पराठे। गाइस तो देखिए फ्रेंड्स ये बने मेरे पराठे गरम गरम। और पराठे जो है ना, आप मेरी बात याद रखना कि काले काले नहीं सेकने चाहिए, हमेशा जो है ना गुलाबी गुलाबी कलर के होने चाहिए। ये मेरी अम्मी बताती थी कि हमेशा जो है ना हल्के गुलाबी कलर के, काले काले परांठे नहीं होने चाहिए। भाई देखिए मेरा गुलाबी गुलाबी सा पराठा हो गया है तैयार, आप भी आ जाइए, मैं बिट्टू जी को दे दूँ पहले। तो गाइस आ जाइए आप सब भी, देखिए कैसा गर्मा गर्म खाना हो रहा है। अभी मैं इनको दे दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इनका रिव्यू कि कैसे बने। तो गाइस ये देखिए खा रहे हैं बिट्टू जी पराठे और आलू का भुर्ता। हाँ जी कैसा बना है? मज़े का है? मुझे पता था ना खुश हो जाओगे देख के। बारिश में पराठों का मज़ा ही और है। हाँ तो बारिश हो रही थी, नहीं तो कीमा ला के देते ना, फिर मैं कीमा पराठे बनाती। मैं तो अभी बाइक पे घूम आ गया, कल कीमा पराठा खाएंगे। हाँ कीमा ले आना, मैं कीमा और पराठे बनाऊंगी रवा मैदे के। खाओगे ना अमसल? और देखो एक लंगूर, लंगूर दिखाऊं यहाँ लटका हुआ है ये लंगूर। चलो मैं गरम गरम बना के ला रही हूँ बिट्टू जी। जोनिश खा लो तुम भी। ये देखिए जोनिश जो कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आते हैं। गाइस देखिए, गाइस देख, ओफो जोनिश की, जोनिश की रील देख रहा है ना। आईडी फॉलो करे Zonish8913। मेरे बेटा बहुत शर्माते हैं। चलो बिट्टू जी मस्त हो रहे हैं खाने में, ले 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 कर आऊं कभी खत्म हो जाए तो। तो गाइस आज का दिन रहा बारिश भरा और बारिश में ना कहीं जा सके ना आ सके। जब से मैं ऑफिस आया हूँ बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो गया। दूध पता है कैसे करूँ लेने कार से, बारिश इतनी हो रही है और क्या करते, कभी तेज हो रही है कभी हल्की हो रही है। वही तो, और डैडी का आज की बारिश में पैदल चलने का कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था बेटा। आज फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई तो इस वजह से मुझे पैदल तो चलना जरूरी था। चलना डैडी पैदल, जिम ज्वाइन कर लीजिए जिम। हाँ कल से करूंगा, कल से कर ही लीजिए। आपका क्या कहना है? हाँ लो आ गए ठाकुर शोले वाले।
शोले के टाकू। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को करते हैं अब हम यहीं एंड, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तो अल्लाह हाफिज़।